लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में हलचल तेज है। झामुमो विधायक सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, जिसके बाद उन्हें जेड सिक्योरिटी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस प्रशासन उन्हें जेड सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर रही है। इस पर भाजपा और झामुमो आमने सामने है। हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने झारखंड सरकार के इरादों पर सवाल खड़ा किया है। दूसरी ओर झामुमो से प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेड सिक्योरिटी केंद्र सरकार के अधीन होता है, भाजपा व्यर्थ की राजनीति ना करे। देखिए क्या है कि कोई भी सरकार रहे, सरकार का दायित्व तो है कि अपने स्टेट के सभी नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। और सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी भी हैं और 3 बार से लगातार विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं और JMM से भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई। निश्चित तौर पर वैसे लोग जिनके मन में क्रोध है, जो इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं, तो उनके जान माल की सुरक्षा देना स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेट सिक्योरिटी दिया और उनको सुरक्षा मुहैया कराने का प्रयास किया, तो सरकार को इसमें स्टेट गवर्नमेंट को स्वागत करना चाहिए था कि चलिए आप मेरा बहुत सारी जिम्मेवारी को आपने निभाने का काम किया। लेकिन ये आक्रोश की राजनीति और विरोध की राजनीति और बदला लेने के भाव से अगर उनकी सुरक्षा को वापस करने का ये सरकार प्रयास कर रही है तो सरासर गलत है। इसकी जितना निंदा की जाए कम है। एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। हम लोगों ने झारखंड में देखा है, आप बगल के तमाड़ के विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या दिन दहाड़े हो गई, महेश सिंह की हत्या दिन दहाड़े हो गई, सांसद सुनील महतो की हत्या फुटबॉल मैच में दिन दहाड़े हो गई। अभी हाल में भाजपा के पूर्व विधायक रहे हमारे सिंहभूम में जानलेवा हमला हुआ, उनके 2 बॉडीगार्ड मारे गए। तो कहीं ना कहीं आज विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और विधायक ही नहीं, आम जनता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज लगातार जिस तरह से हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, ये सरकार हर मामले में प्रशासनिक तंत्र इनका फेल है। तो मैं चाहता हूँ फिर से पुनर्विचार सरकार करे और अपने झारखंड में जो विधायक हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराने का काम करे। देखिए बड़ा हास्यास्पद स्थिति है, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनसे आप लोग पूछिए जरूर। ये जेड सिक्योरिटी सेंट्रल ने दिया है, वो सिक्योरिटी कवरेज सेंट्रल कर देती है। आपने देखा होगा यहाँ कमलेश सिंह और भी एक दो विधायक जिनको कि सेंट्रल फोर्सेज के सिक्योरिटी कवर में रखा गया है, तो उसमें जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? आप CRPF का अगर दे रहे हैं सिक्योरिटी किसी को, जेड श्रेणी दीजिए जो आपको उचित लगे दीजिए, तो उसमें राज्य सरकार की या जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? ये बिना मतलब की राजनीति, कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो बेवजह का मुद्दा बनाते हैं ये लोग। आज इनको बहुत चिंता हो गई सीता सोरेन जी की। अरे सीता सोरेन हमारी भी सम्मानित विधायिका रह चुकी हैं, हमारी पार्टी, हमारे सोरेन परिवार की बहू हैं, बहुत सम्मान है उनके प्रति हम लोगों को। लेकिन राजनीति ना करें कुछ लोग, और राजनीति करते हैं तो कम से कम सोच समझ के बोला करें। जिसको सिक्योरिटी कवरेज सेंट्रल का है उसमें राज्य सरकार क्या करेगी? ये लोग ने दिया नहीं दिया वो सेंट्रल से पूछना चाहिए।